नहीं बोलूंगा मैं, मर जाऊंगा उससे पहले। इसे ये है कि हम लोग एक मिनट भी यहाँ पे बैठ नहीं सकते, ऐसा कंडीशन है। कैसे हो दादी, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए, चलिए चलिए खड़े हो जाइए, आ जाइए, हाथ दीजिए मुझे, चलो खड़े हो। दोस्तों अभी हम लोग सूरत में हैं और एक फ़ोन आया था हमें, एक दादी जी यहाँ बहुत ही मतलब गंभीर हालात से मतलब अपनी स्थिति के साथ लड़ रही है और उसके हालातों को हमने अभी देखा तो मतलब कुछ नहीं कर सकती है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, बट चलिए उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कुछ उसके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। उसके हालात तो आप देख सकते हो कि मतलब पास में ही गटर है और गटर के पास ही काफ़ी दिनों से यहाँ पर सोए हैं और पता नहीं मतलब अपना ज़िंदगी कैसे इस इतनी ज़्यादा ठंडी में कैसे गुजार रहे होंगे, बट कोई बात नहीं कि इंसान है तो इंसान की मदद करते हैं। इस एपिसोड को पूरा देखिए और आपके सभी ग्रुप के अंदर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। आप जानते हो दादी को? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तकरीबन 4-5 दिन से यहाँ पे ही बैठे रहते थे, यहाँ पे ही खड़े रहते थे, यहाँ पे ही खाना खाते थे। उसके मतलब कोई अता पता है उसके? कोई उनका अता पता नहीं है, हमने भी अभी 4-5 दिन से उनको देखा है, हम लोग आते जाते रहते हैं, अंदर बार करते रहते, लेकिन हमको लगता है शायद कोई खाना खा के यहाँ पर बैठा होगा और चला जा रहा होगा, लेकिन 4-5 दिन की स्थिति में और अभी उनकी जो स्थिति देख रहे हैं तो ऐसा ही लग रहा है कि वो कहीं भी 4-5 दिन से उठ भी नहीं रहे थे, ऐसी उनकी स्थिति थी, लेकिन आप लोग आए उनको रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं। बस एक इंसान है तो इंसान की मदद करते हैं। सही है, मैंने आपका काफ़ी वीडियो देखा है। अच्छा। आपने काफ़ी सेवाएं की है, खासतौर पर सेंट्रल रूम पर आगे आपने सोनी पड़ियावर की एक अच्छी सी एक बंदे की सेवा की थी और मैं काबिल तारीफ आपकी जो सेवा है उनका मैं हमारी पूरी टीम की वजह से आपका सच में आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा काम शायद कोई नहीं कर सकता जैसे आप लोग कर रहे हैं। बस लोगों को यही बताना चाहते हैं कि नहीं, दूसरे की आपकी फाउंडेशन की और आपकी जो पूरी टीम है उनकी हेल्थ और वेल्थ की शुभकामना करता हूँ और आप ऐसे ही काम करते रहे, हमारा भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो श्योर आप हमें बोल सकते हो, हम आपका कुछ भी मदद करने के लिए तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मैंने 4-5 दिन से उनको यहाँ पे देखा है, कहीं से कहीं जा नहीं रहे थे, तो फिर मैंने SMC में फ़ोन किया गायत्री बहन को और गायत्री बहन ने पट भाई फाउंडेशन है उनको यहाँ पर भेजा है, उन्होंने उनकी स्थिति देखी। दोस्तों अभी दादी माँ की हालत इतनी ख़राब है कि उसके पास आप खड़े भी नहीं रह सकते क्योंकि पानी का पता नहीं मतलब पानी में ही मतलब ऐसे ही पड़े रहते थे और अभी तो उसको लेके हम रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं सेंटर जो हमारी गवर्नमेंट सुविधा देते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू सेंटर होम जो चलते हैं ज्योति सामाजिक सेवा संस्था। तो चलिए दोस्तों इस एपिसोड को पूरा देखिए और आपके सभी ग्रुप के अंदर शेयर करिए। नहीं बोलूंगा मैं, मर जाऊंगा उससे पहले। इसे ये कि हम लोग एक मिनट भी यहाँ पे बैठ नहीं सकते, ऐसा कंडीशन है। दोस्तों अभी हालात बहुत ही खराब है, आप देख पा रहे हो मुकेश भाई ने ऐसे 2 सेंट तो पूरे भी कर दिए और अभी हम उसको दादी माँ को लेके सेंटर होम लेके जा रहे हैं, बट रास्ते में हम गाड़ी भी अच्छे से नहीं चला सकते और इतनी बदबू मार रहे हैं क्योंकि आप समझ सकते हो कि काफ़ी दिनों से वहाँ से मतलब वो चल नहीं सकते, तो उसका एक मिनट हमारी पूरी टीम की बहुत ही हालत अभी ख़राब है, बट क्या करें, इंसान है तो थोड़ी सी मदद
उसके आने वाले जिंदगी में जो बदलाव ला सके, तो वही हमारा पूरा प्रयत्न है। थोड़ा समय लगेगा हमें प्रॉब्लम का सामना करते हुए, बट आने वाली जिंदगी में उसका बदलाव आ गया तो बस वही सबसे बड़ी सेवा है, वही दिखाने की हमारी कोशिश है। आप इससे कुछ सीख सकते हो और आगे जाके लोगों की मदद भी कर सकते हो। बस हमारे हालात थोड़े ख़राब है, बट उसके हालात बदलाव में जो हमारा थोड़ा समय भी उसकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो वही हमारे लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच, शेयर करिए। दोस्तों, दादी माँ को अभी हम लेके शेल्टर होम लेके आ चुके हैं और वहाँ पे तो हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए क्योंकि वो रास्ते बीच रास्ते में, और चलिए उसके साथ थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शायद वो अपना नाम बताए और कहाँ से है, तो इस वीडियो के माध्यम से शायद हम उसके घर तक भी पहुँचा सकते हैं उसको। तो दादी माँ, आपका नाम क्या बताया था आपने? खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है दादी? हैं, आप कहाँ से हो? वाह। इसको नहलाने दो, उसके बाद ले। दोस्तों, आपने आगे देखा वीडियो में कि हम दादी के पास बैठ भी नहीं सकते थे, और बैठने की तो बात बहुत दूर है बट उसके आसपास भी हम भटक नहीं सकते थे। बट एक इंसानियत के नाते उसके जीवन में थोड़े बदलाव लाने की कोशिश की, उसका जो भी कंडीशन था शरीर का। तो काफ़ी लोग मतलब ऐसे देख के, मतलब जहाँ पे वो रोड पे रहते थे तो काफ़ी लोग मतलब वहाँ से निकलते देख के चले जाते हैं, क्योंकि इंसान इंसान से दूर भागता है। बट हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे जिसको कुछ मतलब इतनी शरीर की ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि वो अच्छे से ना सके, अपने अच्छे से कपड़े पहन सके। बट आज आप देख सकते हो कि हमारी पूरी टीम की वजह से जो भी आज आपको दिखाने की कोशिश की है, बस आप भी आगे आइए और ऐसे लोगों की मदद कीजिए, और जो भी हो सकता है उसका आप सभी के माध्यम से इस देश में बदलाव हम ला सकते हैं। बस दोस्तों, यही हम दिखाना चाहते हैं कि इंसान है तो इंसान की मदद करे। तो क्या कहोगे मुकेश भाई? और कुछ कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, दादी को गुजराती बोलो, समझ में आएगा। दादी, तुमने गुजराती आवड़े छे? बोलो दो बार, देखो भी बोलेगी सही में, बोलो। हैं दादी, तुमने गुजराती आवड़े छे? तुम्हारा नाम शू छे दादी? दादी नहीं आवड़े। दादी नाम क्या है? दोस्तों, दादी माँ की थोड़ी दिमागी हालात थोड़ी बराबर नहीं लग रही है, बट चलो कोई बात नहीं। हमने जो भी कुछ किया है बस एक इंसानियत के नाते, कोई भी जात धर्म देखे बिना एक इंसान है तो इंसान की मदद करते हैं। और बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और आज जहाँ पे हम उसको लेके आए सूरत नगर पालिका और ज्योति सामाजिक सेवा संस्था थ्रू जो शेल्टर होम चलाया जाता है, बस ये सभी सुविधा गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, और एक दूसरे के माध्यम से बस आपको यही दिखाना चाहते हैं। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे सेंटर होम है, अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाके उसकी तपास कीजिए, और जो भी हो सकता है इसे, जो भी लोग रोड पे रहते हैं जिसका कोई आधार नहीं है, वैसे बिन वारसी लोगों के लिए सुविधा बिल्कुल मुफ्त में है, बिल्कुल फ्री है, तो उस सुविधा का आप लाभ उसको दिला सकते हो। बस बहुत ही कुछ आज देखने को मिला है, बस ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस माहिती को पहुँचाइए। दोस्तों, कोई भी अगर इंसान रोड पे मिलता है तो हम लोग मदद करने से घबराते हैं कि बाद में हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा और इस तरह की परेशानी होगी। तो आप कोई भी जो अपना नज़दीकी सरकारी अस्पताल है तहाँ निराधार तरीके से आप उन्हें हॉस्पिटल में भेज सकते हैं, और वहाँ से वो लोग कोई भी समाजसेवी संस्था से संपर्क करके उन्हें वहाँ तक भेज देते हैं। तो कभी घबराए नहीं, और थोड़ा सा अपना टाइम निकाले तो किसी का अच्छा हो सकता है। क्यों बोल रहे हैं?
चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और एक इंसान है तो इंसान की मदद करते हैं। और अभी हम समीमेर हॉस्पिटल है सूरत में, वहाँ पे अभी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे अभी हम भेज रहे हैं, उसका अच्छे से निदान होगा, अच्छे से सारवार होगी। बस यही मानवता का नियम है, आप भी आगे आइए और लोगों की मदद करिए। थैंक यू सो मच।